आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि शो की शुरुआत में जसमीत और वर्षा आपस में मिष्टी के बारे में बातचीत करते नजर आएंगे। जसमीत मिष्टी के बारे में वर्षा से ये कहेगी कि कुहू के वहाँ ना होने से मिष्टी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो कुहू उस घर में नहीं है, इस बात का सेलिब्रेशन मना रही है। वर्षा कहेगी कि नहीं जसमीत, इसमें मिष्टी अबीर की कोई गलती नहीं है, इवन कुणाल की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अबीर जिस तरीके से मिष्टी को प्रायोरिटी देता है कुहू को कभी देता ही नहीं, और इसीलिए मैं कुहू को वापस नहीं भेजना चाहती। इन दोनों की बात सुनकर कुहू कमरे में आती है और यहाँ पर वर्षा और जसमीत को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो कुणाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उससे जुदा होकर के नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात समझने को तैयार नहीं है, इसलिए वो अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा करती है। वर्षा और जसमीत को अपने रूम से बाहर भेज देती है पानी लाने के लिए और दवा लाने के लिए। कुहू इतने में अपना मोबाइल वर्षा के पास से चुपचाप से चुरा लेती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निधि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लंच देख कर के बेनबा की तारीफ कर रही होगी, तभी कुणाल सोचता है कि चलो मैं भाई को बुला लाता हूँ, लेकिन वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाता क्योंकि अबीर घर पर होता ही नहीं। अबीर मिष्टी को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा, तुम लोग इन्जॉय करो। कुणाल मीनाक्षी से कहता है कोई बात नहीं माँ, आप मुझे और मिष्टी को खाना खिलाइए, अबीर भाई बाद में आ जाएंगे। मीनाक्षी यहाँ खाना परोसते परोसते कहती है कि मुझे पता है अबीर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन मैं भी उसे ये प्रूफ कर दूंगी कि मैं इस बार सच में चेंज हुई हूँ और ये बदलाव एक अच्छे के लिए है। आगे मिष्टी कहती है अबीर से कि अबीर कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना टाइम लो, लेकिन वापस आ कर के तुम खाना ज़रूर खाना। लेकिन यहाँ पर मिष्टी कहती है अबीर को मैसेज में कि हम खाना खाने के बाद मैं कुणाल और माँ कुहू को वापस लेने जा रहे हैं। अबीर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि मीनाक्षी खुद कुहू को लेने जा रही है। कुहू जसमीत चाची के मोबाइल से निधि मामी को कॉल करेगी, कुणाल के बारे में पूछेगी, लेकिन वहाँ पर निधि मामी की वॉइस ठीक से कुहू तक नहीं पहुँच पाएगी। और जैसे ही वर्षा को पता चलेगा कि कुहू ने निधि जी को कॉल किया है, वो उससे उसका फ़ोन दोबारा छीन लेंगी। बाद में आप देखेंगे कि मिष्टी मीनाक्षी कुणाल कुहू को वापस ले जाने वर्षा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम कुहू को वापस कहीं जाएंगे। यहाँ पर वर्षा मिष्टी को इन्फॉर्मेशन देती है कि वो कुहू कहीं भी घर में नज़र नहीं आ रही है, लगता है कि कुहू खुद चली गई है क्योंकि हमने कुणाल से मिलने के लिए उसे रोका जो था। मिष्टी यहाँ पर कहती है कि ठीक है, हम कुहू को देख लेंगे। मीनाक्षी भी यहाँ पर अपोलोजाइज करती है वर्षा से उसके पुराने व्यवहार के लिए और माफ़ी मांगती है। कुणाल भी कहता है कि ठीक है, अगर वो माँ को माफ़ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम कुहू को तो यहाँ से लेकर जाएंगे। तभी वर्षा मिष्टी को बताती है कि मीनाक्षी और कुणाल और मिष्टी तुम लोग निश्चिंत होकर घर जाओ, अगर कुहू यहाँ आएगी तो मैं उसे राजवंश हाउस ज़रूर भेज दूंगी। ये तीनों खुश होकर यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पारुल मासी निधि मामी को छोटे छोटे ड्रेसेस दिखा रही होती हैं जो उन्होंने अपने हाथ से मिष्टी अबीर के बच्चे के लिए बनाए होते हैं। उन ड्रेसेस को देखकर निधि मामी कहती हैं कि ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़े ओल्ड फैशन है, लेकिन अबीर आता है उन ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और यहाँ पर पारुल मासी की तारीफ भी करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू चोरी छुपे जा तो रही है कुणाल से मिलने, लेकिन उसकी तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है और वो रोड के बीचों बीच अपनी कार को रोक देती है। वो थोड़ी सांस लेने के लिए, थोड़ा अच्छा बेटर फील करने के लिए बाहर एक बेंच पर जाकर के बैठती है, लेकिन वहाँ उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन बात करते करते कुहू अपने बच्चे से कहती है डोंट वरी, तेरी चाची तुझे कुछ भी नहीं होने देगी, सब कुछ अच्छा होगा, तू परेशान मत हो। यहाँ मिष्टी कुणाल मीनाक्षी अपने घर वापस आते हैं और यहाँ पर पारुल मासी निधि मामी से पूछते हैं कि कुहू कहाँ है। अबीर पारुल और निधि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली कहते हैं कुहू यहाँ नहीं है, कुहू तो आपके साथ आने वाली थी। लेकिन तब वहाँ पर पता चलता है कि कुहू तो मिसिंग है, क्योंकि ना वो राजवंश हाउस पहुँची है ना ही महेश्वरी हाउस। अब ऐसे में अबीर कुणाल से कहता है कि क्यों ना हम कुहू का मोबाइल ट्रैक करें और फिर उसकी लोकेशन देख करके हम उस तक पहुँच सकते हैं। कुणाल उस लोकेशन पर कुहू को ढूंढने के लिए जाता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या कुणाल कुहू तक तो पहुंच गया है, लेकिन कुहू उसे मिल पाएगी या नहीं।